वॉलनट केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3/4 कप सूजी ली है। इसको ग्राइंड करेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे अच्छे से। तो हमने जो सूजी है वो उसका पाउडर बना लिया है। सूजी को सोक करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 कप दूध लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर का है, ठंडा नहीं होना चाहिए। और इसको ऐड करेंगे अच्छे से। तो इसको रेस्ट के लिए रखेंगे ढककर 15 मिनट्स के लिए। तो अब हम मोल्ड रेडी कर लेते हैं। इसमें लगाएंगे ऑयल, एक बाउल में यहाँ पर मैंने 1/2 कप दही लिया है डालेंगे, और उसके साथ ही बटर डालेंगे, 1/4 कप बटर है। बीट करेंगे पहले, जिसे मिक्स करना है। ऐड करेंगे वनीला एसेंस। तो बनाना अच्छी से मैश हो गया है। तो जो सूजी है वो भी सोक हो गई है। देखिए, दूध पूरा अब्सॉर्ब कर लिया इसने। अब इसमें ऐड करेंगे जो दही वाला हमारा बैटर था, वो दही और बटर, और इसको मिक्स कर देना। एक स्मूथ सा बैटर रेडी है। अब इसमें ऐड करेंगे बनाना, इसको भी मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा नमक 1 पिंच के करीब, मिक्स अगेन। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, अच्छे से मिक्स कर लेना है। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे वॉलनट्स, डेकोरेट करेंगे वॉलनट्स के साथ। ये वॉलनट केक है तो वॉलनट तो होना चाहिए ना। मैंने कढ़ाई प्री हीट कर ली है 10 मिनट सिम पर, और नमक डाला थोड़ा सा ऊपर। मैंने कटोरी रखी है बेस के लिए। अब रखेंगे हम अपना मोल्ड केक वाला, और इसको ढक देंगे। और लो फ्लेम पर हमको 30 मिनट के लिए इसको बेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। केक रेडी है। इसको किसी स्टैंड के ऊपर ठंडा होने के लिए रखेंगे। Oh my God.